हमारे कैरेक्टर्स वेडिंग के लिए आए हुए थे और वहीं पर वो टाइम लूप में फंस जाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आई, पर दोनों के कुछ सीक्रेट्स थे, इसी वजह से जल्द से यहाँ से निकलना चाहते हैं। कैंसर प्रॉब्लम्स के बावजूद ये अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर पाएंगे, यह हम आज की हमारी मूवी पाल्म स्प्रिंग्स 2020 की एक साइफाई फैंटेसी हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटा सा अर्थक्वेक आता देख सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर नाइल्स अपने नींद से उठता है। आज वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक वेडिंग में आया हुआ था। ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं, पर मिस्टी को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। मिस्टी की भी हमेशा की बकबक सुनकर नाइल्स को मर जाना अच्छा लगता है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास हैंग आउट करता है, वहाँ पर भी उसका एक फ्रेंड है। वेडिंग अच्छे से हुई और मिस्टी ने स्पीच दी, पर उसकी स्पीच जरा रैंडम थी, उस वजह से कोई भी अप्लॉज नहीं करता। इसके बाद नाइल्स फिर जबरदस्ती उससे माइक ले लेता है। ब्राइड का नाम था टाला और लोगों को बहुत हेल्प करती थी। इस सब के बारे में वो बात करता है। उसने कहा कि तुम दोनों वर्ल्ड में अकेले थे, पर अब तुम्हारी शादी हुई तो फिर से एक दूसरे को तुमने ढूंढ लिया है। ये सारी स्पीच टाला की सिस्टर, जिसका नाम है सारा, जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, ये सुन रही थी। वेडिंग पार्टी स्टार्ट होती है और एक आदमी उसके साथ डांस करना चाहता था, पर उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती है। माइल्स अपने ही धुन में था। सारा ने उसे मना किया, पर बाद में वही आकर उसे बात करने लग जाती है। उसने पूछा कि तुमने जो स्पीच दी थी, क्या तुम इस पर एक्चुअल में बिलीव करते हो? नाइल्स ने कहा कि वो सिर्फ कहने के लिए था। उसे सारा का सेंट अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी वही पहनती थी। उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि हम दोनों अकेले में कहीं पर जा सकते हैं। सारा ने पूछा कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाइल्स फिर उसे एक जगह पर लेकर आया, जहाँ पर उसे दिखाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है। सारा ने कहा कि तुम उसे रोकते क्यों नहीं? नाइल्स ने कहा कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। सारा ने कहा कि मेरी फैमिली भी मुझे हेट करती है, उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और अपनी लाइफ को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं, तो उसे बात उतनी ज़्यादा गलत लगती नहीं। मिस्टी की आवाज़ें सुनकर ये दोनों भी डेजर्ट में आ गए और इंटीमेट होने लग गए। अचानक से नाइल्स को कोई एरो मार देता है, वो डर कर भागने लग गया। सारा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नाइल्स फिर भागते भागते एक केव तक गया। अगली सुबह जब वो उठा तो अगला दिन नहीं था, फिर से पूरा डे रिपीट हो रहा था। जिस तरीके से मिस्टी ने उसे कल उठाया था, आज भी वो उसी तरीके से उठाती है। फिर से आज भी वेडिंग डे था। जैसे कल सब कुछ हुआ था, वैसे आज भी हो रहा था। नाइल्स के साथ ये चीज़ बहुत टाइम से चल रही है, उसे याद भी नहीं कि फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था। जैसे कि हमें पता है कि वो पूल के पास आकर हैंग आउट करता है, तभी सारा उस पर आकर बहुत चिल्लाती है। और सारा के पर्सपेक्टिव से कल रात हुआ क्या था, ये बात हमें पता चलेगी। जैसे नाइल्स उस केव में गया, तो सारा भी उसके पीछे पीछे आके। नाइल्स उसे जाने के लिए कहता है, पर सारा मानती नहीं। उसके पीछे पीछे वो भी उस केव में चली गई। आज जब वो उठी तो उसने रियलाइज किया कि ये डे रिपीट हो रहा है। पहले तो ऐसा वो बिलीव नहीं कर पाती, अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर उन्हें लगता है कि ये ड्रंक है। बाहर फिर उसने नाइल्स को देखा, उस पर वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई। टाला ये सब देखकर उसे समझाने के लिए आ रही थी, पर वही नीचे पटक गई, उसके दांत टूट जाते हैं। वेडिंग डे पर यह सब होना एक बहुत ही बड़ा ट्रबल था, सब लोग बहुत डरे हुए थे। फादर ने कहा कि हम डेंटिस्ट के पास चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब देखकर सारा जरा शांत हुए और फिर वो नाइल्स के पास आए। माइल्स कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास मत आना। उसे सारी सिचुएशन समझा देता है कि हमेशा एक ही दिन चलता रहता है, कल फिर से एक नया डे होगा और टाला को कुछ भी हुआ नहीं होगा। सारा ने कहा कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। उसे उस केव के बारे में पूछती है। उसे ढूंढने के लिए निकली, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। नाइल्स से पूछा कि वो कहाँ पर है। नाइल्स कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो एक रॉक पर चढ़ गया और प्रिटेंड करता है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है। फिर छोटा सा एक अर्थक्वेक आया, उसके बाद वो केव खुल गई। हर रोज उसी टाइम पर वो केव खुलती थी। वहाँ पर जाने लग गए, पर नाइल्स ने कहा कि अगर तुम वहाँ पर अंदर जाते हो तो फिर से डे रिसेट हो जाएगा। सारा वैसे भी इस दिन से तंग आ गई थी, तो अंदर वो चली जाती है। फिर से उठी तो दिन रिसेट हो चुका था। वो इस सब से दूर जाना चाहती थी, तो ड्राइव कर फिर से अपने घर वापस चली जाती है। घर पर सारा के पेरेंट्स बात कर रहे थे कि ऐसा करती क्यों है। नाइल्स ने कहा कि वो डर रही है कि लोग उसे जज करेंगे। ये वेडिंग, ये सब इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती। सारा ने ट्राई किया कि जब तक ये दिन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो सोएगी नहीं। फाइनली उसे थोड़ी सी नींद आ ही गई और फिर से डे रिसेट हो गया और फिर से वो होटल में ही थी। वो डायरेक्टली नाइल्स के पास आ जाती है, इसे फिगर आउट करने की कोशिश करती है। नाइल्स ने कहा कि मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद हम दोनों की डेथ हो चुकी है, शायद हम सिमुलेशन में है। अगर हम इन सब बातों में सोचने लग गए तो हमारे दिमाग खराब हो जाता है। हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, जो हमारी सिचुएशन है इसे हमें खुश रहना पड़ेगा।
सारा ने पूछा कि अगर हमने सुसाइड कर ली तो फिर क्या होगा। नाइल्स कहता है कि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है पर फिर से डे रिसेट हो जाता है। सारा खुद ट्राई करना चाहती थी तो एक ट्रक से अपना एक्सीडेंट वो करवा देती है। अगले दिन ये दोनों एक बार में जाकर इस पर बात करते हैं। सारा ने कहा कि कल मैं ड्राइव कर फिर से अपने घर वापस चली गई थी और जब नेक्स्ट डे आया तो मैं फिर से यहीं पर वापस आ गई। नाइल्स ने कहा कि यह सब काम नहीं करता, मैं एक बार बॉर्डर क्रॉस कर भी चला गया था फिर भी मैं नेक्स्ट डे यहीं पर उठा हूँ। सारा को याद आया कि नाइल्स को कोई हंट कर रहा था, उसने पूछा कि ये सब क्या था। नाइल्स कहता है कि उसका नाम रॉय है, वो भी टाला की वेडिंग में आया हुआ था। उन दोनों के इंटरेस्ट सेम थे तो एक दूसरे से वो बातें करने लग गए। टाला और एब को खुश देखकर रॉय ने कहा कि मैरिज एक बहुत ही घटिया चीज़ है, इसमें आप सिर्फ फंसते जाते हो और नीचे बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस होता है। रॉय को नशे करने थे, एक आदमी से उसने बात की थी पर उसे दे नहीं रहा था। नाइल्स फिर डायरेक्टली उस आदमी से वो छीन लेता है और फिर ये दोनों बहुत पार्टी करते हैं। फाइनली वो डेजर्ट में आ गए। रॉय को बहुत मज़ा आया था, उसने कहा कि ये दिन खत्म ही नहीं होना चाहिए। नाइल्स ने फिर उसे केव दिखाई, कहा कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में है। उसी वजह से रॉय भी इस टाइम लूप में फंस गया था। रॉय को जब इस सब सिचुएशन के बारे में पता चला तो उसे अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। इसमें फंसने के लिए नाइल्स को जिम्मेदार मानता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि नाइल्स को पनिश करेगा। हर कुछ दिनों में आकर उसे हंट करता था। सारा ने कहा कि यह सब बहुत गलत है, तुम्हें उसे बात करनी चाहिए, तुम हमेशा उससे भाग नहीं सकते। नाइल्स उस बात को उतना ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से केयरफ्री जीता है। डे रिसेट ही होगा तो कुछ भी करे, ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लोगों को पैसे दे दे, बहुत सारी चैरिटी करे पर फिर भी कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। सारा ने कहा कि तुमने और क्या क्या ट्राई किया है, क्या लोगों के साथ तुम इंटीमेट हुए। नाइल्स ने कहा कि किसी को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, अब इतने दिन वो यहाँ पर फंसा हुआ है तो ज़्यादा एफर्ट्स करना उसे अच्छा नहीं लगता। सारा ने पूछा कि क्या हम दोनों इंटीमेट हुए। नाइल्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है कि चलो फिर से वापस चलते, रात में वेडिंग पार्टी होगी वहाँ पर एंजॉय करेंगे, उस जगह पर बहुत प्यार का माहौल है। सारा ने कहा कि वैसा कुछ भी नहीं है, लोग सिर्फ अकेले रहने से डरते हैं और उसी वजह से शादी करते हैं। उसके माइंड में एक थ्योरी आती है कि शायद अपनी लाइफ में उसने कुछ गलत किया है और उसी वजह से वो इस टाइम लूप में फंस चुकी है। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ सही कर दिए तो इससे वो निकल सकती है। ये रियलाइज करने के बाद वो वेडिंग में वापस आए। टाला की जब शादी हुई तो उसे वो कुछ बता देती है। ये सुनकर टाला ने अपनी शादी तोड़ दी। नाइल्स ने उसे इसके बारे में पूछा पर उसे कुछ भी बताती नहीं। वो बहुत खुश थी कि कल वो यहाँ पर नहीं रहेगी, पर अगले दिन फिर से उसी दिन में उठ जाती है। उसने नाइल से आकर कहा कि लाइफ मीनिंगलेस है, चलो कहीं पर चलते हैं। सारा को इस तरीके से रूम में आता देख मिस्टर ने नाइल से पूछा कि क्या तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। नाइल्स कहता है कि तुम मुझ पर चीट कर रही हो। उसका वो बहुत मजाक उड़ाता है। वो सारा को एक घर में लेकर गया जहाँ पर नेबर्स नहीं थे, वहाँ के स्विमिंग पूल में वो हैंग आउट करते हैं। गन रेंज पर जाकर उन्होंने प्रैक्टिस की, गाड़ी चलाते चलाते एंजॉय किया, प्लेन भी उड़ाने की कोशिश की पर अचानक से प्लेन नीचे गिर जाता है। अगले दिन फिर से सब कुछ रिसेट हो गया। जो भी चीज़ें इन्हें ट्राई करनी थी ये सब कुछ वो ट्राई कर देखते हैं। मिस्ट्री जब किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी तो उसके रूम में एक आदमी को भेज दिया। बीच वेडिंग में एक बड़ा सा ब्लास्ट भी वो करते हैं, एक दूसरे के बॉडी पर वियर से टैटूज बनाए। ऐसे ही एक दिन रात में नशे कर वो बैठे हुए थे। सारा ने कहा कि मैं एक बार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी, अपने पार्टनर के साथ एक नई सिटी में भी वो चली गई थी। उसे हमेशा से पता था कि ये वर्कआउट नहीं करेगा और उसका ब्रेकअप हो गया। वो कहती कि रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आदमी की अच्छी बुरी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसने नाइल से पूछा कि तुम यहाँ पर फंसे, इससे पहले करते क्या थे। नाइल्स कहता है कि यहाँ फंसे हुए मुझे इतना टाइम हो गया जब उसे कुछ भी याद भी नहीं है। उसे लगता है कि लाइफ में उसका सब कुछ पीछे छूट गया है। ये दोनों टेंट में सोए तो सारा ने कहा कि हम दोनों को इंटीमेट हो जाना चाहिए। नाइल्स भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन सारा जब रूम में उठी तो हमें पता चलता है कि सारा अपने रूम में नहीं है तो एब के रूम में। एब जिसके साथ सारा की सिस्टर टाला शादी कर रही है, हर रोज़ वो उसी रूम में उठती है। अपनी सिस्टर को उसने धोखा दिया, इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है। कल रात के बाद नाइल्स को बहुत अच्छा लग रहा था, वो इसके बारे में सारा से बात करने की कोशिश करता है पर सारा थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो कहती कि हम जो भी करते अगर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है तो कल रात भी मीनिंगलेस ही थी। उसने कहा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकती। वो नोटिस करती है कि बहुत टाइम से उसका कोई पीछा कर रहा है। नाइल्स ने कहा कि वो रॉय होगा, हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। सारा कहती कि हमें इसे फेस करना पड़ेगा। वो कार से उतरी और कहा कि नाइल्स ने मुझे किडनैप कर लिया, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो कार में जाकर बैठ जाती है और बाहर रॉय निकला, फिर से नाइल्स को मारने वाला था तभी सारा कार से उसे ठोक देती है। रास्ते से एक एक्चुअल पुलिस ऑफिसर निकला और इन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। नाइल्स ने पूछा कि तुम्हारे साथ ये सब चल क्या रहा है, ये सब मीनिंगलेस है पर फिर भी हम जो भी करते हैं इसका हम पर इफेक्ट होता है, अगर हमें चोट लगती है तो उसका पेन रियल है।
सारा ने कहा कि अगर मैं कुछ भी नहीं करती तो हमेशा तुम रॉय से डरते रहते। नाइल्स को फिर भी ये गलत लगता था और उन दोनों में झगड़ा हो गया। सारा ने कहा कि अगर उस रात मुझे पता होता तुम किस तरीके के आदमी हो तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आती। नाइल्स कहता है कि हम बहुत सारी रात एक साथ स्पेंड कर चुके हैं, सारा से क्या बात करनी है जिससे उसके करीब आ जाए, ये सब कुछ उसे पता था। इससे गुस्सा होकर सारा गाड़ी के नीचे आ गई। अगली सुबह नाइल्स ने सारा को ढूंढने की कोशिश की पर उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर से एक दिन सुबह सारा के पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि वो ऐसा क्यों करती है। नाइल्स गुस्से में कहता है कि वो अपनी खुद की लाइफ को सीरियसली नहीं लेती। एक रात वो ड्रंक होकर एब के फ्रेंड्स के साथ था। पिलो पर उसने सारा का सेंड नोटिस किया। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसे पता चलता है सारा और एब के बीच में चक्कर चल रहा था। शादी में आकर उसने तमाशा खड़ा कर दिया। वो डाला का सब कुछ सच सच बता देता है। एब और उसमें भी फाइट हो गई थी। सब कुछ हो जाने के बावजूद अगले दिन सब कुछ रिसेट हो गया। वो सारा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। अपने फ्रेंड के पास वो रोने लग गया और कहता है कि वो सारा से बहुत प्यार करता है। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और डायरेक्टली रॉय के घर पर आ गया। उसने कहा कि मुझे टॉर्चर करो, मुझे मार डालो, तुम कुछ भी कर सकते हो। रॉय डर कर कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। उसकी एक बहुत ही अच्छी फैमिली थी। नाइल्स को बिठा कर वो कहता है पहले मैं बहुत ही दुखी था पर जब मैं इस टाइम लूप में फंसा तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ का एक्चुअली सबसे बेस्ट टाइम है। आज मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ और मेरी बेटी मेरी एक पेंटिंग भी बनाने वाली है। जब उस लड़की ने मुझे कार से ठोक दिया था तो आईसीयू में मैं सो नहीं पाया, उस वजह से डे रिसेट नहीं हो रहा था। मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास एक फैमिली है। लाइफ में इस तरीके से हमें खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। वो नाइल्स को भी ऐसा कुछ ढूंढने के लिए कहता है। खुशी के बारे में बात सुनकर नाइल्स को फिर से सारा की याद आ गई। वो कहता है कि मुझे एक बार मार डालो, इससे मैं जल्दी घर पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हमें सारा के पर्सपेक्टिव से चीज़ें पता चलती है। जब वो फिर से एब के रूम में उठी तो उसने कहा कि हमने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, अब मैं मेरी लाइफ को अच्छी तरीके से कंट्रोल करूंगी। ये भी सुनकर रोने लगता है, उसे भी बहुत पछतावा हुआ था। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सारा ने क्वांटम फिजिक्स का स्टडी किया। बहुत सारे प्रोफेसर से उसने बात की। एक दिन वो खुद नाइल्स के पास वापस आ जाती है। नाइल्स ने उसे जो भी कहा था इस सब के लिए उसे सॉरी कहता है। सारा ने कहा कि वो सब कुछ ठीक है पर यहाँ से बाहर कैसे निकलना है इसका सोल्यूशन शायद मेरे पास है। उसने कहा कि हम एनर्जी की फील्ड में फंस चुके हैं, अगर हम उस केव में ब्लास्ट करते हैं तो शायद इससे निकल सकते हैं। इसका उसने गोट को लेकर एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था। ये सब सुनकर नाइल्स कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सारा ने कहा कि तुम तो मुझे पूरी तरीके से जानते भी नहीं। नाइल्स कहता है कि ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं और हमें किसी भी चीज़ की वरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा की सिचुएशन के बारे में उसे पता था पर उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। अगर नाइल्स उसके साथ नहीं आना चाहता फिर भी सारा जाने वाली थी। टाला की वेडिंग में वो स्पीच देती है। उसने कहा कि रात में जब मुझे बुरे सपने आते थे तो मैं टाला के साथ ही सोती थी। वो मेरी छोटी सिस्टर है पर फिर भी एक बड़ी सिस्टर की तरह ही उसने मेरा ख्याल रखा है। उसने एब से कहा कि टाला को अब कभी भी हर्ट मत करना। नाइल्स सैड होकर बार में बैठा था। वो सब कुछ सैड चीज़ें बारटेंडर को बताने लग गया। वहाँ की एक लेडी उसे कहती कि ज़रा आसपास देखो, तुम जिस भी चीज़ को ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलने वाली। ये सुनकर वो रियलाइज़ करता है कि वो कहीं पर भी रहे वो सारा के साथ ही रहना चाहता है। ज़बरदस्ती उसने बारटेंडर से फाइट ले ली, उसकी वो चाबी निकाल लेता है। जल्दी से वो सारा के पास पहुँच गया। वो कहता है कि मैं कभी भी अकेला जी नहीं सकता था, तुम जब मेरी लाइफ में आई तो सब कुछ चीज़ें ठीक होने लग गई। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से जानते हैं, तुम्हारी अच्छी और बुरी चीज़ें इन दोनों के बारे में मुझे पता है, सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। सारा ने कहा कि हम टाइम के साथ एक दूसरे से तंग आ जाएंगे। नाइल्स ने कहा कि अब भी हम एक दूसरे से तंग आ गए तो क्यों ना एक साथ पूरी लाइफ स्पेंड की जाए। सारा कहती कि तुम्हारे साथ लाइफ ज़रा फन हो जाएगी, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो बॉम के साथ उस केव में गए, लास्ट टाइम एक दूसरे को किस करते। अगले दिन हम देखते हैं कि वही वेडिंग की जगह पर एक खाली हाउस में वो हैंग आउट कर रहे थे। सारा ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे। नाइल्स ने कहा कि मेरे डॉग को मुझे पिकअप करना पड़ेगा। ये सारा के लिए बहुत सरप्राइज था क्योंकि नाइल्स ने कभी भी अपने डॉग के बारे में बात नहीं की थी। अचानक से होम ओनर घर पर आ गए। नाइल्स कहता है कि अब हमें पता चल गया कि होम ओनर कब घर पर आते हैं, इसका मतलब है उस टाइम लूप से वो निकल चुके थे। अगला दिन आ चुका था पर फिर भी बिना किसी वरी के एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए।